बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दो तरह की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए झटपट से बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पालक आलू की सब्ज़ी और एक आलू बैंगन की सब्ज़ी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में चार चम्मच तेल ले लिया था। उसके बाद मैंने आधा चम्मच जीरा डाल दिया था और एक प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और तीन से चार लहसुन की कली को भी चॉप कर लिया था। ये सारी चीज़ों को मैं तेल में डाल दूंगी और इनकी भुनाई कर लूंगी। और जैसे ही तेल में अच्छे से भुन जाएगी उसके बाद मैंने हरी मिर्च कट करके रखी थी, मैंने तीन से चार हरी मिर्च ले ली थी। मैंने पालक की भाजी 250 ग्राम ली थी, उसको चॉप करके पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। और यहाँ पे लहसुन और प्याज अच्छे से भुन गए थे तो मैंने हरी मिर्च डाल दी थी। हरी मिर्च जैसे भुन जाएगी ना, अगर आप चाहो तो हरी मिर्च को चॉप करके भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून के करीब हल्दी और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डाला था। और ये चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, बहुत सिंपल सी डिश है ये। और एक आलू को मैंने कट करके रख दिया था, पतले पतले वाला कट किया है। और आलू को गलने के लिए मैं मीडियम आँच पर ढक के पका लूँगी ताकि आलू अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे मैं आलू बैंगन की तैयारी भी कर लूँगी पकाने की। तो इसके लिए मैंने कुकर में चार चम्मच के करीब ऑयल ले लिया था। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें एक प्याज को मैंने चॉप करके रखा था वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। प्याज को डालने के बाद मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और हल्की सी गोल्डन हो जाए। ये दोनों डिश खाने में बड़ी ज़बरदस्त लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था हाफ़ टेबल स्पून के करीब और उसकी भी मैं भुनाई कर लूँगी ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं पाउडर मसाले डाल दूँगी। लाल मिर्च पाउडर डालूँगी मैं 2 टेबल स्पून के करीब, धनिया पाउडर डालूँगी 2 टेबल स्पून के करीब और हल्दी डालूँगी मैं हाफ़ टेबल स्पून और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। इसमें भी ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। और थोड़ा से पानी डाल के मैं मसालों की भुनाई कर लूँगी और एक टमाटर को मैं चॉप करके डाल दूँगी और ताकि वो मसालों के साथ अच्छे से पक जाए। जैसे ही मसाले की भुनाई हो गई थी ना, मैंने दो आलू और तीन से चार बैंगन ले लिए थे, उनको अच्छे से कट कर लिया था और वॉश कर लिया था और उसमें दो हरी मिर्च को भी डाल दिया था। अब ये सब्ज़ी को भी मैं मसाले में डाल दूँगी और इसके अच्छे से भुनाई कर लूँगी 1 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें हाफ ग्लास के करीब पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद मैं इसको ढक्कन लगा के 2 सीटी आने तक पका लूँगी। ये बहुत झटपट से बन जाएंगी माशाल्लाह से। और यहाँ पे आलू भी गल गए थे और इसमें मैं पालक डाल दूँगी। पालक को जो मैंने चॉप करके अच्छे से वॉश करके रखी थी ना, वो सारी पालक मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इसको हल्के हाथों से चला लूँगी और मीडियम आंच पे ढक के पका लूँगी कि इसका पानी सूख जाए और ये अच्छे से पक जाए, वहाँ तक मैं इसको पका लूँगी। और ये झटपट से पक गई थी और माशाल्लाह से बहुत जल्द से जल्द बन गई थी। ये दोनों डिशेस बहुत अच्छी रहती है खाने में, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से आता है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और पालक आलू भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे मेरे और आलू बैंगन भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे। 2 सीटी आ गई थी, उसके बाद मैंने आलू को चेक कर लिया था और बहुत अच्छी तरीके से वो गल गए थे। और आलू बैंगन मेरे बेटी के बहुत फेवरेट है, इसलिए मैं इसको बहुत बनाती हूँ अपने घर पर, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा जी, ये रेडी हो चुके थे, अब मैं इसे डिश आउट कर दूंगी। सबसे पहले मैं पालक आलू को डिश आउट कर दूंगी। आप देख सकते हो कितनी खिली खिली बनी है ये सब्ज़ी और माशाल्लाह से खाने में बहुत टेस्टी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर दीजिए और कैसी लगी मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना जी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए चलती हूँ जी, अल्लाह हाफिज।